नमस्कार दोस्तों, श्याम पीएलसी प्रोग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंप्रेसर में जो रोटेटेड पार्ट होते हैं, जो घूमते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसे डेली हमें क्या क्या चेक करने चाहिए, उसकी सर्विस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं वो सभी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने स्क्रू कंप्रेसर के बारे में बेसिक बताया था कि ये चीज़ कंप्रेसर में होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ मूवमेंट करती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखें तो अंत तक देखें। और सभी व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको बताता हूँ कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो रोटेटेड कर रहे हैं। सबसे पहले आप कंप्रेसर उसके टाइप ये मैंने दिखाई गई है, जो पहले कंप्रेसर में टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने स्क्रू कंप्रेसर के बारे में बताया। अब जो रोटेटेड उसमें पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने ये हमारे जो कंप्रेसर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स घूमते हैं। तो मैंने 11 चीज़ इसमें दिखाई गई, ये चीज़ काम करती हैं, कुछ चीज़ इसमें मूवमेंट करती हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके बारे में मैं आपको नीचे डिटेल भी दिया गया है और डिटेल में आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देखो, मोटर्स, क्रैंक्स, ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं, पिस्टन, ये सेफ्टी वाल्व्स, ये एयर रिसीवर्स, ये सभी चीज़ मैंने 11 चीज़ इसमें चेक करके और आपको दिखाई गई है। इसके बारे में नीचे मैंने डिटेल दी गई है, तो डिटेल आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन। ये आप दूसरी बार देख लीजिए, ये सभी चीज़ कंप्रेसर में ये मोमेंट वाले पार्ट होते हैं उनके बारे में कुछ आपको बताया गया है। तो आप आराम से आप पढ़कर आप देख सकते हैं कि तो हमारे कंप्रेसर में ये चीज़ काम कर रही है। और देख लीजिए, ये सभी चीज़ सेफ्टी रिलेटेड वाल्व होता है, ये सभी आप दिखाए गए हैं, जो भी हमारे वाल्व्स लगे होते हैं इसमें कंप्रेसर में, ये सभी लुब्रिकेटन सपोर्टेड, ये देखो सभी चीज़ आपको दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं, ये लूप पंप वाल्व्स, ये सभी चीज़। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो हम डेली रूटीन चेक करते हैं वो क्या क्या चेक करते हैं। ये आप देखते हैं, हमें कंप्रेसर होता है हमारा, उसमें डेली क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए वो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि डेली हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। तो मैंने ये 5 पॉइंट दिखाए गए हैं, इस 5 पॉइंट में आप चेक कर देख सकते हैं कि हमें डेली क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। ये सभी आप देख सकते हैं, उसमें ऑयल्स या डिस्प्ले ऑयल, ये सभी चीज़ हमारी 5 कूलिंग वाटर्स, इसमें कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कंप्रेसर में, ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं। तो मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ दोस्तों, 500 आवर्स में उसके क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। तो हमारे कंप्रेसर होता है उसमें 500 घंटे हो जाएं तो उसमें हमें क्या चीज़ चेक करना चाहिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उससे पहले हम चेक कर लें। तो सबसे पहले देखो, ये दिखाया गया है कि एयर फिल्टर होता है, ये चीज़ चेक करना चाहिए, यदि वो ख़राब है तो चेंज करना चाहिए, अगर नहीं है तो सही है। और क्लिंस, ये टेपिंग वाल्व्स होते हैं, ये सभी चेक करना चाहिए, ऑयल्स लीकेज है या नहीं है कहीं, ये डिस्प्ले टेस्टिंग, नीचे आपको ये सभी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये सेफ्टी ऑपरेटिंग सेफ्टी वाल है, जो सेफ्टी वाल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सभी चीज़ हमें चेक कर लेनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ दोस्तों, हमारे दो 2000 आवर्स में तो क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, और 4000 और 6000, ये मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए बनाए हैं कि डेली हमें तो नहीं उसमें डेली क्या चीज़ करना चाहिए, 2000 में या 500 घंटे में, 4000 में, 6000 घंटों में, मतलब क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंसर्स, उसके दिखाए गए सेटिंग्स, या अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो चेक कर लीजिए सर्किट के, और अगर यदि उसमें प्रॉब्लम है तो चेंज करना चाहिए। और एयर फिल्टर्स और होज पाइप्स, या उस संबंधी एलिमेंट्स हैं जो भी है उसके संबंधी, वो सभी चीज़ हमें देख लेना चाहिए। और ये 4000 आवर्स में आप देख सकते हैं कि फिल्टर्स, एलिमेंट संबंधी, या कंप्रेसर्स, ऑयल्स, फिल्टर या मोटर बैरिंग्स, ये सभी चीज़ हमें चेक करनी चाहिए, ये खराब है तो उसको रिप्लेस कर देनी चाहिए।
ये बता रहा 4,000 में ये चीज यहाँ पे रिप्लेस करनी ही करनी है। रिप्लेस में बैरिंग भी आ गई है, अब उसके कंप्रेसर फिल्टर भी आ गए हैं, एलिमेंट्स भी आ गए हैं, एयर संबंधी जो भी है वो 4,000 घंटे में हमें रिप्लेस करना है। ये बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। अब मैं 6,000 में आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये 6,000 में घंटों में आप क्या कर सकते हैं कि रिप्लेस द ऑयल सेपरेटर एलिमेंट्स। जो ऑयल सेपरेटर्स एलिमेंट्स होते हैं उसको हमें सभी को चेंज कर देना चाहिए, जो भी संबंधी है उसको हमें सभी को चेंज कर लेना चाहिए। तो ये सभी चीज आप 6,000 घंटे में ये चीज हमें चेक करनी है और रिप्लेस कर देनी है। यदि आपको 4,000 घंटे में देखना है तो ये चीज हमें 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं, इन सभी को रिप्लेस कर देना है। और 2,000 घंटों में भी मैंने 4 चीज दिखाई गई आपको, ये चीज रिप्लेस कर देनी है। इसी प्रकार ये 500 घंटों में और डेली चेक में। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो संबंधी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।